हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद स्वाति। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिना पकौड़े का कढ़ी बनाना, जिसका टेस्ट आपको एकदम पकौड़े वाली कढ़ी की तरह लगेगा। बिना पकौड़े की कढ़ी मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही थी। बेसिकली मेरे घर में पकौड़े वाली कढ़ी बनती है, और स्पेशली प्याज के पकौड़े वाली कढ़ी, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कढ़ी बड़ी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसमें नॉर्मल बेसन के पकौड़े बनते हैं सिंपल, और उस पर इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं कि आप उसे खुद देख सकते हैं। इसकी वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आज की कढ़ी तो मैं बिना पकौड़े का बना रही हूँ, पर इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसमें पकौड़े नहीं डले हुए हैं। बिना पकौड़े का कढ़ी आप खा रहे हो, तो इस तरीके से आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज की ये सिंपल, सबसे आसान और सबसे स्वादिष्ट रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम दही में 4 चम्मच बेसन ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मैंने यहाँ पे खट्टे दही का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो यहाँ पे हमें दही को खट्टा ही लेना है, इससे कढ़ी बहुत अच्छा बनता है, कढ़ी टेस्टी बनता है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने यहाँ पे दही और बेसन मिक्स कर लिया था, उसके बाद मुझे याद आया कि ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो ये रेसिपी मुझे आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए। तो उसके बाद मैंने अपनी रेसिपी शूट कर ली। उसके बाद मैंने लिया ये कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे डाला 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा अच्छे से क्रैक होने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, और इसे अच्छे से कुछ सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमारा जीरा और सूखी लाल मिर्च अच्छे से पक गया, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज हमारा यहाँ पे सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है, इस कढ़ी में प्याज को ज़रूर डालें, इससे पकौड़े का टेस्ट आता है, जो हम पकौड़े वाली कढ़ी बनाते हैं एकदम वैसा लगता है। तो इस रेसिपी में प्याज को ज़रूर डालें, और इसे कुछ सेकंड के लिए सॉटे कर लें, ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए आप इसे पका लें। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन 1 चम्मच। तो लहसुन को डालने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज को साइड कर दिया है, और उसके बाद हम ऑयल में लहसुन डालेंगे। मैंने यहाँ पे लहसुन पहले नहीं डाला है, कि लहसुन पहले डाल देने से ये ज़्यादा पक जाता है और फिर जलने लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाद में डाला है लहसुन को। और इस तरीके से थोड़ा सा पका लेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो प्याज के साथ ही अच्छे से इसे भून लेंगे। तो प्याज को मैंने यहाँ पे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है, और हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा दिखने लगा है, हल्का सा ब्राउन भी दिखने लगा है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ करी पत्ता, और मैंने यहाँ पे 8 से 10 करी पत्ता लिया है, और इसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है हाथों पर, और इसे बड़े जो करी पत्ते थे उसे मैंने टुकड़ा कर दिया है। तो इसे डालकर अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे साथ में थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट को, प्याज को साथ में अच्छे से 1 मिनट के लिए और पका लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से ब्राउन हो गया। तो अब हम इसमें जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर तैयार किया था, उसे हम इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए रहना है। और उसके बाद अगर आपको लगे कि हमें इसमें पानी डालना है, तो आप इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 लीटर पानी डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे कढ़ी आपको लगातार चलाना है, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आपका कढ़ी फट सकता है। जैसे कि हमने दही और बेसन को जो मिक्स कर दिया है, दही फट जाएगा तो आपका पानी अलग हो जाएगा और बेसन अलग हो जाएगा। तो आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, तो एकदम परफेक्ट कढ़ी बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है कढ़ी, तो यहाँ पे धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। और यहाँ पे आप अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो यहाँ पे आप पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कढ़ी बनने के बाद आप पानी ऐड नहीं कर सकते। तो यहीं पे आपको अगर लगे कि कढ़ी गाढ़ा हो गया है, तो आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से देखेंगे कि पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, और इतना भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है कि हमें इसे यहाँ पे पानी डालना पड़े। तो यहाँ पे अब इसे उबलने तक का वेट करना है, तब तक आपको इसे कंटिन्यूसली चलाना है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे बॉयल आना शुरू हो गया है कढ़ी में, तो यहाँ पे कढ़ी उबलना शुरू हो गया। तो जब कढ़ी उबलने लगेगा, तो हमें यहाँ पे डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे जब कढ़ी उबलने लगेगा, उसके बाद हमें नमक डालना है। अगर पहले नमक डाल देंगे तो कढ़ी फटने के चांसेस हो सकते हैं,
तो इस तरीके से हम आखिरी में करी डालेंगे और उसके बाद हम इसे एक मिनट के लिए पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। आप चाहे तो करी को उबलने के बाद गैस बंद करने के बाद भी नमक डाल सकते हैं, वैसे भी आप इसे डाल करके मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग कढ़ी में नमक डालें और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे एक मिनट के लिए उबालने दें। बहुत ज़्यादा करी को बॉईल नहीं करना है, बस आपको एक मिनट के लिए इसे पकाना है जिससे बेसन का कच्चापन ना रहे और करी अच्छे से पक जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक बार उबल चुका है और मैंने इसे एक मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया है। तो यहाँ पे हमारा करी एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर के रेडी है। बिना पकौड़े का करी आप इस तरीके से बनाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगता है। तो अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे आप इसे 5 मिनट के लिए ढक करके रख दीजिए, कवर करके रख दीजिए। उसके बाद आप इसे मिक्स करके सर्व कीजिए। तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करी बन करके रेडी है और यहाँ पे आप इसे स्टीम राइस के साथ, रोटी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। जिसके साथ आप खाना पसंद करते हैं उसके साथ आप इसे सर्व करें। तो यहाँ पे हमारा आज का करी का रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए हमेशा इजी और हेल्दी रेसिपी लाती हूँ, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इन्जॉय इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।